हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सूरज, फिटनेस फ्रीक, शुभम, अजय, नरोत्तम एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। सो रिपब्लिक डे आ रहा है तो अड्डा 24/7 अगेन बैक विद 80% ऑफ। आपके सभी बैचेस पर 80% ऑफ बैक है। If you want to enroll in any of the batch, this is the right time. And double validity bhi activated hai on your agriculture Mahapack, right? For the discount, you can use the coupon code Y448A. Okay, चलिए अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हमारी entomology की क्लास है, लेकिन उससे पहले अड्डा 24/7 की ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। टाइप करना है अड्डा 24/7, ये ऐप आपको मिलेगी, डाउनलोड करेंगे। आपको एग्रीकल्चर सेक्शन उसमें चूज करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्वेज, पावर कैप्सूल आपको इस ऐप में मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। आप उठते बैठते कभी भी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रह सकते हैं, अपनी स्पीड इनहेंस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप @agriculture_247 का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। विवेक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हंसा भाई, कभी प्रफुल्ल आता है कभी हंसा आती है। बड़ा अच्छी क्लास है हमारी, है ना, फेमस होते जा रहे हैं हम लोग। चलिए, सो इफ यू हैव Not subscribed to Agriculture Adda 24/7, do subscribe Agriculture Adda 24/7. Bell icon जरूर दबाएं ताकि class notification आपको timely मिले और आप timely class में आ सके, right? चलिए अब करते हैं आज की class की बात। तो आज है हमारी entomology की class। Basically आज की class में मैंने ज़्यादातर जो questions रखे हैं वो stored pest से रखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि भाई हम स्टोर्ड पेस्ट को काफी दिनों से इग्नोर करते जा रहे हैं। एग्जाम पास है तो आज हम स्टोर्ड पेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, एंड आप सभी का अच्छा सा पेपर जाए यही मनोकामना हमारी रहेगी जी। आकाश, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। एंड बिफोर दैट, एग्रीकल्चर महापैक, एग्रीकल्चर महापैक उनके लिए जो मल्टीपल एग्जाम्स देते रहते हैं, राइट? तो मल्टीपल एग्जाम जैसे कि IBPS AFO भी देना है, पंजाब ADO भी देना है, कल को IFCO आता है वो भी देना है, कोई और एग्रीकल्चर एग्जाम आता है वो भी देना है, है ना? सो अलग अलग एनरोल की जगह हम एक जगह एनरोल करें ताकि सभी की लाइव क्लासेस हमें मिल जाए। सो इसमें आपको सभी की लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती हैं। इन सबको अगर आप अकेले अकेले अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइस ऑन द होल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? सो अब ये जो आपका प्राइस है ये और रिड्यूस हो गया, बिकॉज 80% इज लाइव नाउ। तो आपका 6399 जो है इसका प्राइस है, 6399, 6399 में आपको इसमें डबल वैलिडिटी के साथ पूरा 2 साल के लिए लाइव क्लासेस, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ऑफ कोर्स विद द सेम कूपन कोड Y448A। चलिए अब चलते हैं क्लास पर, ठीक है? गुड मॉर्निंग विशु। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टोर्ड पेस्ट जनरली रिड्यूस कंटेंट ऑफ द फूड ग्रेन। स्टोर्ड पेस्ट कौन से कंटेंट पर फीड करते हैं फूड ग्रेन्स के? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। स्टोर्ड पेस्ट जनरली रिड्यूस डैश कंटेंट ऑफ द फूड, ये कर सकते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। नरोत्तम सेज ए, विशु सेज ए, बिल्कुल सही, है ना? सो बेसिकली जो स्टोर्ड ग्रेन्स पर अटैक करते हैं, है ना, तो ग्रेन्स में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो अंदर का पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट सिर्फ बाहर वाली लेयर में होता है, ठीक है? जो एपिकार्प होती है या जो ऊपर की लेयर होती है कहिए, उसमें प्रोटीन परसेंट होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं इंसेक्ट सिर्फ ऊपर की लेयर खाता है, सीड को अंदर से भी खाता है, तो ज्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट पर फीड कर रहा होता है ना। तो ऑप्शन हमारा यहां पर आएगा ए, कार्बोहाइड्रेट्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू, राइस वी विल प्यूपेट्स इन। राइस वी विल प्यूपेशन कहां पर करता है? इन साइड द ग्रेन, इन द सिल्क वेबिंग, इन द सिल्क कोकून और इन साइड द क्रैक एंड क्रिविसेस। यानी कि ग्रेन के अंदर करता है
वेब्स बनाता है, जाल बनाता है उसके अंदर करता है, कोकून बनाता है उसके अंदर प्रिपेशन करता है, या फिर जो भी क्रैक्स होते हैं, दरारें होती हैं, उनके अंदर जाकर रेस्ट करने लग जाता है, प्यूपेट करने लग जाता है। जी फिटनेस प्रणाम, आई थिंक आपका नाम सबसे ऊपर था तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। चलिए, राइस वी विल प्यूपेट इन ए इनसाइड द ग्रेन। ठीक है, आपके जो स्टोर्ड पेस्ट होते हैं बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी फीडर्स एंड द सेकेंडरी फीडर्स। प्राइमरी फीडर्स आर अगेन टू टाइप, वन इज इंटरनल फीडर एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल फीडर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीडर बाहर रह के ग्रेन को खाता है, उसकी लाइफ साइकिल ग्रेन के अंदर नहीं होती। इंटरनल फीडर्स जो होते हैं वो ग्रेन को अंदर घुस के पूरा अंदर से खत्म कर देते हैं। इवन कई बार सीड कोट पूरा का पूरा इंटैक्ट रहता है और अंदर से पूरा सीड खत्म कर देते हैं। इनके लाइफ साइकिल सीड में ही बीतती है ना, लार्वा घुसता है और ये सीड के अंदर ही प्यूपेट कर लेते हैं। ये इंटरनल फीडर्स होते हैं, यानी कि राइस वीविल क्या हुआ, एक इंटरनल फीडर हुआ, बिकॉज इट प्यूपेट्स इनसाइड द ग्रेन। ठीक है, आटा फॉर्मेशन इज द मेन सिम्टम ऑफ डैमेज बाय विच इन्फेस्टेशन ऑफ द गोडाउन कैन बी इजीली डिटेक्टेड। गोडाउन में आपने सीड स्टोर करके रखा है, आप देख रहे पिसा हुआ आटा जिस तरीके से पाउडर्ड फॉर्म में आपको जो है चीजें दिखने लगते कि कुछ पाउडर पाउडर सा बनने लगा है, तो ये किस इंसेक्ट की वजह से होता है? रेड रस्ट फ्लोर बिटल की वजह से होता है, लेजर ग्रेन बोरर की वजह से होता है, एंग्विस ग्रेन मोथ की वजह से होता है, या खपरा बिटल की वजह से ऐसा होता है? पाउडर फॉर्मेशन किस इंसेक्ट के कारण होता है? डी खपरा बिटल, ए रेड रस्ट बिटल। चलिए, सो द आंसर इज बी लेजर ग्रेन बोरर। ठीक है, रेड फ्लोर बिटल आपके पूरे होल सीड्स को आटे में कन्वर्ट नहीं करती है, आटे में ज्यादातर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, आटे में प्रेजेंट होती है, आटा बनाती नहीं है। राइट, लेजर ग्रेन बोरर जो है इससे पाउडर्ड फॉर्मेशन आपको मिलती है। राइट, बी विल बी द राइट आंसर। लेजर ग्रेन बोरर इज मोस्ट सीरियस इन विच कंडीशन? लेजर ग्रेन बोरर सबसे ज्यादा सीरियस किस कंडीशन में होता है? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि गर्म और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, टेम्परेचर हाई हो, कूल और ह्यूमिड टेम्परेचर हो, कूल एंड ड्राई कंडीशन हो, हॉट एंड ड्राई कंडीशन हो। बताइए जल्दी से, लेजर ग्रेन बोरर इज मोस्ट सीरियस इन विच कंडीशन? हॉट एंड ह्यूमिड, कूल एंड ह्यूमिड, कूल एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, है ना? बिल्कुल सही, थोड़ा अच्छा टेम्परेचर हो, ज्यादा कूल टेम्परेचर ना हो और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तो आपका लेजर ग्रेन बोरर अटैक करता है। यानी कि अगर आपके इवन मॉइस्चर भी थोड़ा सा ज्यादा रह जाता है तो इसका अटैक ज्यादा बढ़ जाता है लेजर ग्रेन बोरर का। ठीक है, सो हॉट एंड ह्यूमिड ए। Stored pest commonly found in broken cereals and their milled products. ऐसे stored pest जो टूटे हुए seeds में या फिर milled products में देखने को मिलते हैं। Milled मतलब after milling जो बनता है ना, milled products. Pulse beetle, lesser grain borer, almond moth, rust red beetle. Stored pest commonly found in broken cereals and their milled products. Pulse beetle, lesser grain borer, almond moth, red rust floor beetle. Red rust floor beetle, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी देख बताया था कि जो भी आपके फ्लोर्स होंगे उसमें आपको रेड रस्ट बिटल देखने को मिलेगी, है ना? तो रेड रस्ट बिटल जो है टूटे हुए सीड्स में, या आप कह लीजिए कि फ्लोर में, आटे में देखने को मिलते हैं, मिल्ड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं, आफ्टर मिलिंग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। राइट, सो द आंसर विल बी रेड रस्ट रेड फ्लोर बिटल। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली ग्रब इज द डैमेजिंग स्टेज?
इनमें से कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ ग्रब एक डैमेज करता है, उसका एडल्ट डैमेज नहीं करता है? खपरा बिटल, पर्ल्स बिटल, कंफ्यूज्ड फ्लोर बिटल और राइस वीविल। मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पर, क्या हो सकता है? मैंने नाम नहीं सुना कंफ्यूज्ड फ्लोर बिटल का भाई। Which of the following only grub stage is damaging stage? देखो वैसे तो generally ये याद रखिएगा, जो भी आपकी मौत होंगी जैसे कि एंग्विस ग्रेन मौत है, इनकी larval stage damaging होती है, इनकी larval stage damaging होती है। जो भी beetles या weevils हैं उनकी adult और ये लार्वल दोनों स्टेज ही डैमेजिंग स्टेज होती है, ठीक है? लार्वल या ग्रब स्टेज, ठीक है, इनकी दोनों स्टेज डैमेजिंग होती है, इनकी सिर्फ लार्वल स्टेज डैमेजिंग होती है। लेकिन एक बिटल ऐसी है जिसके सिर्फ ग्रब जो है वो इन्फेस्टेशन करता है या डैमेज करता है, एडल्ट नहीं करता है, ठीक है? एंड दैट इज योर खपरा बिटल। खपरा बिटल का सिर्फ ग्रब जो है वो नुकसान पहुंचाता है, एडल्ट इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। ज्यादा सीरियसली ग्रेरियसली जो फीड करता है वो इसका ग्रब फीड करता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है स्टोर्ड पेस्ट में, ठीक है? सो द राइट आंसर विल बी ए। द ग्रब ऑफ लेजर ग्रेन बोरर एंटर्स द ग्रेन आफ्टर डैश इंस्टार फॉर प्यूपेशन। लेजर ग्रेन बोरर का जो लार्वा है, ग्रब है, वो प्यूपेशन स्टेज में जाता है कौन सी इंस्टार स्टेज के बाद? फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार। हालांकि लाइक इट्स अ लिटिल बिट डीपर क्वेश्चन, प्रोबेबली यू विल नॉट सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, प्रोबेबली। चलिए आंसर क्या होगा यहां पर? थर्ड इंस्टार। इसमें दो बार मोल्टिंग होती है, यानी कि तीन इंस्टार बनते हैं, ठीक है? तो थर्ड इंस्टार जो है फिर वो प्यूपल स्टेज में चला जाता है और प्यूपा से एडल्ट बाहर निकलता है, ठीक है? सो थर्ड इंस्टार सी। इन हैवी इन्फेस्टेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड पेस्ट टर्न्स द गोडाउन इनटू वेब्ड सिल्कन मास एंड गिव्स अनप्लेजेंट स्मेल। इनमें से कौन सा स्टोर्ड पेस्ट ऐसा है जो वेबिंग करता है, यानी कि जाल बनाता है, और जिसके इन्फेस्टेशन के बाद एक स्मेल, फाउल स्मेल या गंदी बदबू आनी शुरू हो जाती है? सिगरेट बिटल के कारण ऐसा होता है, खपरा बिटल के कारण ऐसा होता है, राइस मोथ के कारण ऐसा होता है, या आलमंड मोथ के कारण ऐसा होता है? स्मेल किसके इन्फेस्टेशन से आती है? सिगरेट बिटल, खपरा बिटल, राइस मोथ, आलमंड मोथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, है ना? लाइफ साइकिल से कम ही आएंगे, नहीं ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और तो हो तो कुछ भी सकता है इस दुनिया में। कोई नहीं है भाई, बिल्कुल। सो द राइट आंसर इज राइस मोथ, बिल्कुल सही, सी राइस मोथ, ठीक है? राइस मोथ की वजह से आपको बैड स्मेल आएगी इसके इन्फेस्टेशन के कारण, तो इसको याद रखना है। राइस मोथ, राइस विविल इज डिफरेंट, राइस मोथ इज डिफरेंट, ये भी बता देती हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग्स टू ऑर्डर लैपिडॉप्टरा। इनमें से कौन सा स्टोर्ड पेस्ट है जो लैपिडॉप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करता है? खपरा बिटल, राइस विविल, एंग्विस ग्रेन मोथ या पल्स बिटल। इनमें से कौन सा स्टोर्ड पेस्ट है जो कि लैपिडॉप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करता है? खपरा बिटल, राइस विविल, एंग्विस ग्रेन मोथ, पल्स बिटल। बिल्कुल सभी को पता है मोथ इज फ्रॉम लैपिडॉप्टरा, है ना? बिटल्स और विविल्स नहीं होंगे, वो कोलियोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। मोथ विल बी द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन सी। खपरा बिटल हाइबरनेट्स इन डैश ड्यूरिंग द ग्रब स्टेज। खपरा बिटल हाइबरनेट करती है ग्रब स्टेज में, रेस्ट करती है। कहाँ रेस्ट करती है? ग्रेन्स में रेस्ट करती है, क्रैक्स एंड क्रिविसेस में रेस्ट करती है,
सिल्क वेबिंग में रेस्ट करती है या सिल्कन कोकून में रेस्ट करती है? खपरा बिटल हाइबरनेट्स इन डैश ड्यूरिंग ग्रब स्टेज, ग्रब स्टेज में हाइबरनेट कहाँ करेगी? ग्रेन्स में, क्रैक्स में, वेब्स में या कोकून्स में? क्या होगा हमारा आंसर? द आंसर इज क्रैक्स एंड क्रिविसेस. ठीक है, हाइबरनेट ये क्रैक्स में ही करता है. ठीक है, क्रैक्स एंड क्रिविसेस, वेरी नाइस. बी इज द राइट आंसर. हाइबरनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्यूपेशन. हाइबरनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्यूपेशन. प्यूपेशन तो आपकी डेवलपमेंटल स्टेज है, लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा, एडल्ट बनेगा, तो वो प्यूपेशन है. हाइबरनेशन किसी भी स्टेज में हो सकता है. भाई लार्वे का मन कर सकता है सोने का, रेस्ट करने का, तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, दैट इज हाइबरनेशन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट बिलोंग्स टू फैमिली गैलिचिडी? विच ऑफ द स्टोर्ड पेस्ट बिलोंग्स टू फैमिली गैलिचिडी? पर्ल्स बिटल, खपरा बिटल, एंग्विस ग्रेन मोथ, राइस मोथ? Yes. So the right answer here will be C, Anguis grain moth. ठीक है, Anguis grain moth belongs to Galichidae family. ठीक है, इसी से आपका cotton pink ball worm भी belong करता है. Cotton pink ball worm and Anguis grain moth belongs to the same family, Galichidae family. ये याद कैसे करवाया था मैंने? Pink color related to girls. Girls गालियां देती हुई अच्छी नहीं लगती, तो इसकी family क्या है? Galichidae family है. Right? पर्ल्स बिटल का भी कई बार जिक्र हुआ है किसी किसी एग्जाम में. इसकी ब्रुकिडी फैमिली है, ब्रुकिडी फैमिली. ठीक है, द स्टोर्ड पेस्ट ग्रेन्स हैविंग ग्रेटेस्ट ग्रेट क्वारंटाइन इंपोर्टेंस वर्ल्ड वाइड इज? क्वारंटाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है. राइट, खपरा बिटल, रेड रस्ट बिटल, एंग्विस ग्रेन मोथ या सॉ टूथ बिटल? क्वारंटीन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जिनका यहां से वहां जाना वर्जित होता है, जिन्हें चेक किया जाता है ना, दैट इज कि वो और एरिया में ना फैले, दे आर ऑफ क्वारंटीन इंपॉर्टेंट. ठीक है, खपरा बिटल, रेड रस्ट बिटल, एंग्विस ग्रेन मोथ या सॉ टूथ बिटल? राइट आंसर विल बी खपरा बिटल, ए. ठीक है, ए, खपरा बिटल. स्टोर्ड पेस्ट दैट ऑल्सो फीड्स ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज डेड माइस, ड्राइड ब्लड एंड ड्राइड इंसेक्ट्स. ऐसा स्टोर्ड पेस्ट जो स्टोर्ड ग्रेन्स के अलावा एनिमल्स या ड्राइड या डेड एनिमल्स पर फीड करता है, वो कौन सा है? खपरा बिटल है, फिग मोथ है, सो टूथ बिटल है, फ्लैट ग्रेन बिटल है? इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो ग्रेन्स के अलावा डेड इंसेक्ट्स पर भी फीड कर सकता है? कुछ याद नहीं है, इसीलिए तो मैंने भी सोचा कि एक बार एग्जाम से पहले स्टोर्ड पेस्ट कर लेते हैं, बच्चों को याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और स्टोर्ड पेस्ट से एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बनते हैं एंटो में. भविष्य खतरे में नहीं आने देंगे आकाश, डोंट वरी. ठीक है, सो द आंसर इज अगेन खपरा बिटल. ठीक है, खपरा बिटल ग्रेन्स के अलावा जो डेड माइस या डेड इंसेक्ट जो भी है उन पर भी फीड कर सकती है, उन पर डेवलप हो सकती है. ठीक है, सो द आंसर इज खपरा बिटल. द स्टोर्ड इंसेक्ट which can survive exceptionally at higher temperature and low humidity. ऐसा कौन सा stored pest है जो काफी high temperature और low humidity को भी जो है survive कर लेता है? Rice weevil, red rust beetle, खपरा beetle, Indian meal moth.
खपरा बीटल एक्चुअली काफी इम्पोर्टेंट स्टोर्ड पेस्ट है। इसके बारे में जानकारियाँ, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस भी होते हैं, और इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब सारे खपरा बीटल लगाएंगे, चलिए तो अच्छी बात है, आंसर फिर से खपरा बीटल है। जी बिल्कुल, तो यहाँ फिर से खपरा बीटल है जो हाई टेम्परेचर और इवन लो ह्यूमिडिटी को भी सरवाइव कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल फीडर, इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल फीडर है? रेड फ्लोर बीटल, राइस मोथ, सिगरेट बीटल, ऑल ऑफ द अबव एक्सटर्नल फीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फीडर, यानी कि जिसकी लाइफ साइकिल इनसाइड द ग्रेन नहीं होती है, है ना, ग्रेन को बाहर से खाता है। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रेड फ्लोर बीटल भी, राइस मोथ भी एंड सिगरेट बीटल भी। ठीक है, राइस मोथ एक्सटर्नल फीडर है, राइस विविल इंटरनल फीडर है। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या है, ये एक्सटर्नल फीडर है। राइस विविल अटैक्स, राइस विविल किसको अटैक कर पाता है? राइस ग्रेन्स को अटैक करता है, वीट ग्रेन्स को अटैक करता है, मेज ग्रेन को अटैक करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइस विविल अटैक्स विच क्रॉप, जल्दी से बताइए, राइस विविल किस क्रॉप में अटैक करेगा? बिल्कुल सही, तो ये मत जानिएगा कि राइस विविल है तो राइस पर ही करने वाला है, ये राइस, वीट, मेज तीनों क्रॉप्स पर इन्फेस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेज इज डैमेजिंग स्टेज इन राइस विविल, राइस विविल की कौन सी स्टेज डैमेजिंग स्टेज होती है? ग्रब, एडल्ट, बोथ, नन। राइस विविल की कौन सी स्टेज डैमेजिंग स्टेज होती है? ग्रब, एडल्ट, बोथ, नन। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, तो जितने भी आपके विविल्स हैं, बिटल्स हैं, उनकी दोनों ही स्टेज जो है डैमेजिंग स्टेज होती है, एडल्ट भी एंड लार्वल स्टेज या ग्रब स्टेज भी। सिर्फ मोथ की लार्वल स्टेज होती है और खपरा बीटल को सिर्फ एक्सेप्शन में डाला गया है, जिसके सिर्फ जो ग्रब स्टेज है वही डैमेजिंग स्टेज होती है। व्हाट इज अ प्राइमरी स्टोर्ड पेस्ट, प्राइमरी स्टोर्ड पेस्ट क्या होता है? Exclusively feeds on stored pest, जो सिर्फ stored pest पर ही feed करता है। Feeds on the whole grain, जो पूरे दाने पर, whole grain, healthy grain पर feed करता है। Feeds on damaged grain, जो already damaged grain है उस पर feed करता है। Feeds after processing, processing के बाद जो आपको product मिलेगा उस पर feed करता है। What is the primary stored pest? क्या होता है primary stored pest? Feeds on the whole grain, ठीक है, जो पूरे साबुत ग्रेन पर, हेल्दी ग्रेन पर फीड करते हैं उन्हें प्राइमरी फीडर्स कहते हैं, जो पहली बार सीड पर अटैक करने आ रहे हैं। जो ऑलरेडी अटैक्ड सीड पर, डैमेज सीड पर अटैक करते हैं उन्हें सेकेंडरी फीडर्स कहते हैं। ठीक है, दे आर सेकेंडरी फीडर्स, जैसे आपका सॉ टूथ बीटल है, फ्लैट ग्रेन बीटल है, दीज आर योर सेकेंडरी इंसेक्ट। साइंटिफिक नेम ऑफ खपरा बीटल, खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है? एंग्विमोइस ग्रेन मोथ, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, साइटोफिलस ओराइजी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। साइंटिफिक नेम ऑफ खपरा बीटल, एंग्विमोइस ग्रेन मोथ, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, साइटोफिलस ओराइजी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा।
ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम बी। वन किलोमीटर ऑफ लोकस्ट स्वार्म वेज एज टन्स ऑफ लोकस्ट एज मच एज। एक किलोमीटर का अगर लोकस्ट स्वार्म है तो उनको अगर हम कलेक्ट करें और वे करें उनको, उनका वजन नापे तो कितना वजन होगा? 100, 200, 300, 400 टन्स में है वजन। वन किलोमीटर ऑफ लोकस्ट स्वार्म वेज डैश टन ऑफ लोकस्ट मच एज, क्या होगा आंसर? सी, 300 टन्स जो है उसका वेट होगा। ऑर्डर ओडोंटा इंक्लूड्स, ऑर्डर ओडोंटा में कौन से आते हैं? मे फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, शैड फ्लाइज। ओडोंटा ऑर्डर में कौन सी फ्लाइज आती हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए, फटाफट से बताइए। ऑर्डर ओडोंटा में कौन सी फ्लाइज आती हैं? द आंसर इज ड्रैगन फ्लाई, है ना? ड्रैगन फ्लाई बिलोंग्स टू ओडोंटा ऑर्डर। फेरोमोन्स आर ऑल्सो नोन एज, फेरोमोन्स को और क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक, एक्टोहार्मोन्स, हार्मोन्स, अट्रैक्टेंट्स। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स जो कि इंसेक्ट्स यूज करते हैं टू ट्रैक देयर मेट, अपने मेट को ढूंढने के लिए, ट्रैक करने के लिए फेरोमोन्स का यूज किया जाता है। हम इसका यूज उन्हें ट्रैप करने के लिए करते हैं, जैसे कि हम फील्ड में फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं, राइट? सो द आंसर हियर विल बी यस, एक्टोहार्मोन्स, दे आर एक्टोहार्मोन्स बी, ठीक है? बॉडी से बाहर रिलीज होता है ना, तो इसीलिए इसको एक्टो कहा गया, एक्टो हार्मोन्स। सेंजोस्केल इज अ पेस्ट ऑफ, सेंजोस्केल किसका पेस्ट है? आलमंड एंड एप्पल, पियर एंड प्लम, मैंगो एंड गवावा, बनाना एंड पपाया। सेंजोस्केल इज द पेस्ट ऑफ आलमंड एंड एप्पल, पियर एंड प्लम, मैंगो एंड गवावा, बनाना एंड पाइन एप्पल। फेरोमोन्स जो है बच्चे टाइप ऑफ हार्मोन्स ही है, है ना? दे आर टाइप ऑफ हार्मोन्स जो दे आर रिलीज बाय द फीमेल्स टू अट्रैक्ट द मेल्स, है ना? लेकिन ये जो टाइप ऑफ हार्मोन्स है ये बॉडी से बाहर रिलीज हो रहे, तो एक्टो हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है? इंटरेस्ट इंसेक्ट अट्रैक्टेंट नहीं होगा इसका आंसर। यस, आलमंड एंड एप्पल ए। Stored grain pest can be killed by dash hour exposure to 51.5 to 54.5 degree Celsius. आप stored pest को मार सकते हैं, kill कर सकते हैं अगर इतने घंटे के लिए और इतने temperature पर आप इसको treat करें, तो वो घंटे कितने हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे। जी बर्नाली, आते हैं आपके क्वेश्चन पर। फर्स्ट आंसर दिस वन, दो, तीन, तीन इज द राइट आंसर, थ्री, ठीक है? थ्री इज द राइट आंसर। तो काइरोमोन्स जैसे कि आपके फेरोमोन्स हैं जो मेल और फीमेल यूज करते हैं टू अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? फीमेल्स फेरोमोन्स रिलीज करती हैं और मेल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। उसी तरीके से काइरोमोन्स जो हैं ये प्रेडेटर्स और प्रे में यूज होते हैं। प्रेडेटर्स एंड प्रे में जो केमिकल्स यूज होते हैं टू ट्रैक द प्रे एंड द प्रेडेटर, इसको काइरोमोन्स बोलते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप सेम है बट वहां पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है? वो मेटिंग के लिए, अपना मेट ढूंढने के लिए उन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ये अपना प्रे ढूंढने के लिए, खाने के लिए उन केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो ये काइरोमोन्स होते हैं।
द एवरेज लोकस्ट स्वार्म स्प्रेड ओवर एवरेज जो एक लोकस्ट का स्वार्म होता है उसका साइज कितना होता है 5 स्क्वायर किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर 20 स्क्वायर किलोमीटर या 15 स्क्वायर किलोमीटर बताइए एवरेज लोकस्ट स्वार्म स्प्रेड ओवर द आंसर विल बी बी 10 स्क्वायर किलोमीटर वेरी नाइस यस प्रणाली दिस इज एन इंटर स्पीशी है ना प्रेडेटर एंड प्रे एक ही स्पीशी से तो नहीं बिलोंग करेंगे सो इट इज एन इंटर स्पीशी हार्मोन जो इंटर स्पीशी के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है डैमेजिंग स्टेज ऑफ कटवर्म इज कटवर्म की डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है कैटरपिलर निम्फ एडल्ट ऑल ऑफ द अबव डैमेजिंग स्टेज ऑफ कटवर्म कैटरपिलर निम्फ एडल्ट ऑल ऑफ दीज आंसर इज ए कैटरपिलर ठीक है राइट तो कटवर्म की जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो कैटरपिलर स्टेज होती है बाद में तो ये मोथ में चेंज हो जाता है एडल्ट में चेंज हो जाता है इंडियन मील मोथ कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन मील मोथ को और किस किस नाम से जाना जाता है विविल मोथ पैंट्री मोथ फ्लोर मोथ ऑल ऑफ द अबव इंडियन मील मोथ को और किस किस नाम से जाना जाता है विविल मोथ पैंट्री मोथ फ्लोर मोथ ऑल ऑफ द अबव क्या होगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव डी ऑल ऑफ द अबव डैश आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैन बग्स इनमें से किस को ब्रैन बग्स के नाम से जाना जाता है primary feeders secondary feeders young ones of primary feeders none of the above bran bugs primary feeders secondary feeders young ones of primary feeders none of the above right answer is secondary feeders theek hai secondary feeders What is an internal feeder? एक internal feeder कौन सा है Pulse beater, rice moth, rice weevil, both A and B. Sorry, C. What is an internal feeder? तो अब हम ये पीछे क्वेश्चन में देख कर आए हैं राइस मोथ को इट इज एन एक्सटर्नल फीडर है ना तो राइस weevil इंटरनल फीडर है सो यहाँ पर पर्ल्स बीटल भी आपका इंटरनल फीडर है ऑप्शन ए एंड सी विल बी द राइट आंसर ठीक है करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन डी पर्ल्स बीटल एंड राइस वीविल बोथ आर इंटरनल फीडर स्मॉल साइज्ड रूरल गोडाउन कैपेसिटी इज एक रूरल गोडाउन के स्मॉल साइज कैपेसिटी कितनी होती है 50 मिलियन टन टू 250 मिलियन टन 500 से 2000 मिलियन टन बिलो 2000 मिलियन टन या फिर अबव 2000 मिलियन टन रूरल गोडाउन की कैपेसिटी स्मॉल साइज रूरल गोडाउन की कैपेसिटी कितनी होती है यस सो द राइट आंसर विल बी ए 50 मिलियन टन ठीक है 50 to 250 मिलियन टन इससे ज्यादा अगर आता है तो किसमें आ जाता है आपका मीडियम में आ जाता है और अबव 2000 किस में आ जाता है लार्ज साइज गोडाउन में आ जाता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन इस सेशन में इतना ही गाइस ऑन 26th ऑफ जनवरी यानी कि कल आप सभी के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ मैराथन हम मैराथन करेंगे सुबह से लेकर शाम यानी कि पूरे 8 घंटे की आपकी ये मैराथन होगी Do join this marathon. इस मैराथन में आप सभी को ज्वाइन करना है
लास्ट टाइम रिवाइज करना है और बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिलेंगे। पूरी 8 घंटे की, पूरे दिन की ये मैराथन होगी और सभी को ये मैराथन अटेंड करना है, राइट? दिस योर IBPS AFO बैच, ये आपका IBPS AFO का फाउंडेशन बैच है जो 14th फैब से शुरू हो रहा है। इफ यू वॉन्ट यू कैन एनरोल इन द फाउंडेशन बैच। अगर आप नेक्स्ट ईयर IBPS AFO के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, गो एंड एनरोल इन द फाउंडेशन बैच। वैसे भी आज रिपब्लिक डे के अवसर पर 80% ऑफ आपको अपने बैचेस पर मिल रहा है। तो ये जो फीस आप यहाँ देख रहे हैं, ये घटकर कितनी हो जाती है, 2759 हो जाती है विद द कोड Y448A। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द टेस्ट सीरीज ऑफ IBPS AFO मेंस एग्जाम, दिस इज द टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 20 टेस्ट हैं। यू कैन प्रैक्टिस दिस टेस्ट सीरीज। प्राइस यहाँ पर आपका मेंशन है। और क्लास पसंद आई हो सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अदर देन दैट, इफ यू आर हिटिंग बिहार BSFC और योर पंजाब ADO, तो आपका पंजाब ADO का 10 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है। यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो, फॉर जहां से पूरी नई शुरू से ही क्लासेस शुरू हो रही हैं। ओके, सो गो अहेड, ज्वाइन द बैच, 80% ऑफ का फायदा उठाएं, राइट? एंड हियर is the end of the class. And now I'll tell you how to enroll in these classes. In classes mein enroll kaise karna hai. Theek hai? To yahan se humne nikalna hai. Adda 24/7 ki app download karni hai ya fir Adda 24/7 ki website par jana hai. Prices mein farak rahega. App par aapko kam price mein milta hai kyunki usme kuch extra coins milte hain jinko use karke aapko extra discount milta hai. Right? अड्डा 24/7 यहाँ पर सर्च करेंगे, ये वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, एग्रीकल्चर चूज करेंगे, IBPS AFO को चूज करेंगे। ये देखिए आपके सभी बैचेस पर डबल वैलिडिटी है। एग्रीकल्चर महापैक पर भी, IBPS AFO पर के फाउंडेशन बैच पर भी, मतलब 2 साल के लिए अब आपको इसको वैलिडिटी मिलेगी, है ना? तो आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? किसी भी बैच में एनरोल करने का तरीका सेम है। मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनरोल इन द एग्रीकल्चर महापैक। उस पैक को बस आपने क्लिक करना है, नई विंडो खुलेगी, यहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन होती है। आप इस एग्रीकल्चर महापैक को 12+12 मंथ्स 2 साल के लिए भी ले सकते हैं या 6+6 मंथ्स 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। डबल वैलिडिटी इसीलिए 12+12 या 6+6 मिला आपको मिल रहा है, जो कि रिपब्लिक डे के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब करना क्या है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, नई विंडो आएगी, यहां पर कूपन कोड डालिए, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग। भैया टेक्नोलॉजी के अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, चलो अपना कीबोर्ड जोड़ते हैं, ठीक है? सो यहां पर आप डालेंगे Y448A, ठीक है? जैसे ही हमने यहाँ पे Y448A डाला और अप्लाई कर दिया, यू विल गेट 80% ऑफ ऑन योर फीस। तो जो फीस आपको 2 साल के लिए पे करनी वो है 6,399, मतलब एक पूरे साल आप सिर्फ 3,150 रुपये में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके सारे बैचेस की लाइव क्लासेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, ई बुक्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है? उसी तरीके से आप फाउंडेशन बैच को भी चूज कर सकते हैं, तरीका सेम है। थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर अपनी IBPS AFO की मेंस की टेस्ट सीरीज भी दिखेगी, है ना? उस पर भी ऐसे क्लिक करना है, बाय नाउ करना है, न्यू विंडो पॉपअप होगी, उसी तरीके से कोड डालना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Y448A की जगह पर Y448S लगाना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है? So 194 में आपकी टेस्ट सीरीज पर भी जनरली 17% ऑफ होता है, आज 22% ऑफ है, तो 194 रुपीज में ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू एग्जाम, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे साइड से आप सभी के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर अपने कल की मैराथन में। तो कल की मैराथन में आपने सभी ने आना है, पूरे 8 घंटे की ये मैराथन है जिसमें हम फुल टू सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने वाले हैं, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। ओके, गुड बाय गाइस, एंड डू एनरोल।
एंड 80% ऑफ का फायदा जरूर उठाएं। Y448A। गुड बाय एंड टेक केयर।